हाँ जी बच्चों नमस्कार। तो हम पवन दूति की सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे और पीछे का जो व्याख्यान था उसमें हमने बात की थी, इससे पहले के जो प्रसंग थे उनकी बात हुई थी, जिसमें क्या था, जिसमें जो राधिका है वो पवन को संदेश दे करके भेज रही है, किसके पास, श्री कृष्ण के पास। और वो पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि वो क्या कर रही थी, श्री कृष्ण का पता जो है वो बता रही थी। अब वो क्या कह रही है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कि जैसे ही मेरा घर त्याग करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंजे पुंजे मिलेगी। शोभा वाली बहुत सुंदर सुंदर, अमित मतलब सुंदर, कितनी कुंजे पुंजे, कुंज होता है वृक्षों और लताओं का घना समूह। तो वो कहती है कि इस सुनसान घर को त्याग करके जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो बहुत सुंदर सुंदर शोभायमान कुंज पुंजे मिलेंगी, वृक्षों और लताओं के समूह तुझे दिखाई देंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वो क्या कहती है कि हे प्यारी पवन, उनकी क्या होगी छाया जो होगी वो बहुत कोमल होगी, प्यारी होगी, और उनका जो स्वर होगा जब तू उसमें से प्रवेश करेगी तो उस प्रवेश करते समय जो आवाज होगी वो बहुत कोमल होगी, मोह लेंगी तुझे वे। और अपनी कोमलता से और अपनी प्यारी प्यारी छाया से वो क्या कर लेंगी, तुझे अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। कौन प्रयास करेंगी, कुंजे पुंजे वृक्षों और लताओं के जो समूह रास्ते में होंगे उनकी बात कर रही है। तो भी मेरा दुख लख वहां तू ने विश्राम लेना। फिर भी वो कहती है कि अगर थोड़ा सा भी तेरा मन वहां रुकने को करे, तू उनकी तरफ आकर्षित हो, तो कहती है कि तू मेरा दुख याद कर लेना और तू वहां पर विश्राम बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला, कि जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, सरस रव का धाम सत्य पुष्प वाला, कि सरस सरस मतलब आनंदित करने वाला, अपनी ध्वनि से अपने रस से आनंदित करने वाला जो सात फूलों वाला जो धाम है वो क्या है तुझे दिखाई देगा। लोने लोने बहु द्रुम लतावान सौंदर्य शाली, लोने लोने सुंदर सुंदर, बहु मतलब बहुत सारे, द्रुम मतलब पेड़, लताओं से युक्त और सौंदर्यशाली पेड़ होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा मतलब बहुत सुंदर, वृंदावन का जो विपिन है, जो जंगल है, जो मन को मोहने वाला है वो भी तुझे रास्ते में दिखाई देगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना, कि तू इस जंगल से आना और जाना, परंतु मुहे माना मतलब कि मोहित नहीं होना। आगे जाते जाते अगर पंथ में कलांत, पथ में कलांत कोई दिखावे, जाते जाते कि अगर रास्ते में तुझे किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कलांत, कलांत मतलब जो थका हुआ है, तो तू जाकर के उसके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तू उसके पास चली जाना और अपने स्पर्श के माध्यम से उसके मन की थकान, उसके शरीर की थकान को मिटा देना, दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, कि धीरे धीरे से फिर क्या करना, उसके शरीर को स्पर्श करना, किसके शरीर को, जो व्यक्ति थका हुआ है, गात उत्ताप खोना और उसके शरीर की जितनी भी उत्तेजना है, जितनी भी उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की थकान है, उसे क्या है, उसे दूर कर देना, किसके माध्यम से, अपने धीरे धीरे से स्पर्श के माध्यम से। सदगंधों से शमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंध से जो लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी सुगंध के माध्यम से तो क्या कर देना, बहुत
खुशहाल बना देना, बहुत खुश कर देना। संलग्ना हो सुखद जल के शांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। संलग्ना हो, संलग्ना मतलब लिप्त हो करके, किसे सुखद जल के, मतलब जब तू वहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, विपिन में से निकलेगी या फिर कालंदी नदी पे से निकलेगी, तो वहाँ का जो सुखद जल है और उस जल की बूंदें जो हैं, उस शांति हारी, शांति मतलब थकान मिटा देने वाले जो कण उसके अंदर होंगे तेरी हवा में, तो तू उन कणों को किसके ऊपर डाल देना, जो श्रमित जन है, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत के कारण थके हुए हैं, तो जो तेरे अंदर जो थकान को मिटा देने वाले, सुख प्रदान करने वाले पानी की छोटी छोटी जो बूंदे हैं जिससे तू संलग्न होकर के निकल रही है, वो उनके ऊपर डाल देना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के कुसुम कुल फूलों के समूह, गंध, गंध मतलब खुशबू, आमोदकारी मतलब बहुत आनंदित कर देने वाली, नशा उत्पन्न कर देने वाली। कि तो अपने साथ क्या भी लेकर के चली आ रही होगी, विभिन्न प्रकार के फूलों के गुच्छों का रस, जो कि बहुत सुंदर सुगंध प्रदान करने वाला होगा, नशीली जिसके अंदर सुगंध होगी, वो कहती है कि उस प्रकार के गंध लेकर के तो अपने साथ चलना। निर्धूली हो गमन करना, उद्यता भी न होना। निर्धूली मतलब जब तू चले तो बहुत धीमी गति से चलना, निर्धूली ऐसा करना कि तेरे अंदर इस प्रकार चलना कि तेरे अंदर जो धूल के कण हैं वो बिल्कुल भी ना हो, उद्यता भी ना होना और किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं दिखाओगी तुम। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, कि इसी कारण से अगर तू निर्धूली होकर गमन करेगी और बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होगी, तभी जो रास्ते में आ जा रहे होंगे लोग, तो उन्हें क्या मिलेगी, उनके मन को शांति मिलेगी। लज्जाशीला युवती पथ में जो कहीं दृष्टि आवे, मतलब अगर कोई कुवारी युवती है, रास्ते में अगर तुझे ऐसी व्यक्ति लड़की दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को अपने वेग के माध्यम से, अपनी तीव्रता के माध्यम से बिल्कुल भी विकृत वसना, विकृत मतलब खराब, वसना मतलब कपड़े, मतलब तू अपने वेग से उसके कपड़ों को इधर उधर अस्त व्यस्त मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति, शांति खोना, मतलब अगर तुझे लगे कि वह लड़की मेहनत के कारण थोड़ी सी भी क्या हो गई है, थक गई है, तो गोद ले शांति खोना, मतलब उसे अपने आगोश में पूरी तरह से ले लेना और उसके शरीर की सारी थकान मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कि उसके जो सुंदर सुंदर होठ हैं और उसके कमल के समान मुख के ऊपर जो उदासी छा गई है मेहनत के कारण, तो तू क्या, या थकान के कारण, तो तू अपने स्पर्श से उस कमल के समान सुंदर मुख की सब उदासियों को दूर कर देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होंवे भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तो दिखाना। कि फूलों के मधुर रस को, कि जो भंवरा और भंवरी है वो किसी फूल के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके मधुर रस का पान कर रहे हैं एक साथ बैठे हुए, तो तू क्या करना, बहुत ही कोमलता दिखाना उनके प्रति, मतलब कि बहुत अधिक सौम्यता से वहाँ से निकलना। क्योंकि थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, उन उद्विग्न होवे कि तेरे वेग से
वह जो फूल जिसके ऊपर भंवरा भंवरी जो है वो बैठ कर के मधुर रस का पान कर रहे हैं, वो तेरे वेग से थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। उन उद्विग्न हुए तो अगर हिले नहींगा तो जो भंवरा भंवरी बैठकर रस पी रही हैं वो उत्तेजित भी नहीं होंगे, व्याकुल भी नहीं होंगे। क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में न बाधा हो। और क्रीड़ा नहीं होवे कलुषिता, अगर तू ऐसा नहीं करेगी, यानी कि अगर तू वेगपूर्ण तरीके से नहीं चलेगी तो उनकी जो क्रीड़ा है आपसी वो कलुषिता नहीं होगी, उसमें भंग नहीं पड़ेगी और किसी प्रकार की बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होगी। कालिंदी के पुतिन पर जो कहीं भी कढ़े तू, कि यमुना नदी के किनारे पर से कहीं से भी अगर तू जाएगी, छू के लीला सलिल उसका गात आग उत्ताप होना। तो यमुना नदी के किनारों पर से जब भी तू निकले तो यमुना नदी के नीले नीले जल को अपने शरीर पर लगाकर, मतलब कि उसके पानी में से स्पर्श करके और अपने शरीर की सारी गर्मी को तू दूर कर लेना। आग उताप होना मतलब तेरी जो हवा है अगर वो गर्मी उसमें आ गई है या उत्तेजना थोड़ी बहुत भी आ गई है तो तू उसका नीला सलिल या फिर पानी में से स्पर्श करके उस गर्मी को दूर कर लेना। जो चाहो तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से। और अगर तेरा मन करे कि उस यमुना नदी के अंदर जो सुंदर सुंदर कमल के फूल हैं उनसे खेलने का, उनसे क्रीड़ाएं करने का मन करे तो तू ऐसा भी कर सकती है। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। और छोटी छोटी सुलहर उठा, और तू क्या करना कि अपने वेग के माध्यम से उस यमुना नदी के पानी में छोटी छोटी सी लहरें उत्पन्न कर देना, जिसके कारण जो वहाँ पर पंकज हैं यानी कि कमल के फूल हैं या फिर उसके अंदर जो पक्षी हैं तैर रहे हैं तो ऐसा लगे कि वो नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो इन सब बातों के माध्यम से या इन सब क्रियाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी को तो खुश करने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें जो राधिका है वो क्या है, अपने संदेश को बहुत जल्दी श्री कृष्ण के पास तो पहुंचाना चाहती है, परंतु साथ ही साथ वो क्या है, समाज के लोगों का कल्याण भी करना चाहती है। तो अगले व्याख्यान में हम इससे अगले पद्यांश की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।